डियर स्टूडेंट, आज हम कार्प का ही सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं। चलो, सेकंड बोल के नहीं है, इससे पहले भी हमने बहुत सारे लेक्चर दिए हैं, उसके बाद नोट्स भी दिए हैं, प्रोवाइड किए हैं। अगर आप लोग को डायरेक्ट इस वीडियो में आ रहे हो तो आप पहले जाके प्लेलिस्ट में जा कार्प का प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख लो। लास्ट वीडियो में हमने कैसे आपका ऑफसेट मेथड से कैसे हम कार्प सेट करते हैं ऑन ग्राउंड, उसको हम कैलकुलेशन देखे थे। आज हम एक प्रॉब्लम लेके आए हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे मान के चलिए हम कहीं एक नया रोड बना रहे हैं, तो नया रोड बनाने के टाइम हम जो ये कार्प है, ये कार्प है, एक मिनट, ये कार्प है ना, इसको हम इसको ग्राउंड में कैसे सेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। मान के चलिए देखो, ये इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है पहले वो स्टडी कर लेते हैं, और पहले ही बता देते तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा आज। और आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए और धैर्य के साथ देखिए, कंसंट्रेट करिए, तो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और चलिए देख शुरू करते हैं। देखिए क्या बोला है, टू टेंजेंट ए बी एंड बी सी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट बी में इंटरसेक्ट हुआ, चेनेस 150 इतना दे रखा है, नेसेसरी डाटा कैलकुलेशन करने के लिए बोला है खुद, और कितना रेडियस का कर्व देने के लिए बोला 100। ये आपको कहा जाएगा कभी भी, आपको कभी नया रोड बनाओगे तो आपको ये रेडियस आपको बताया जाएगा, रेडियस इतना है, और ये डिफ्लेक्ट एंगल भी बताया जाएगा। तो क्या है, आपको कर्व ग्राउंड में कैलकुलेशन करके ग्राउंड में सेटअप करना है। तो इसमें आप देख रहे हो, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो मैंने एक फोटो रखा है इसमें। तो इसमें क्या है, इसी में हम अगर ड्राइंग बना दें तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे देखिए, ऐसे लाइन मारते हैं और ऐसे लाइन मारते हैं, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा ये हो गया, दूसरा कलर ले लेते तो आप लोगों को इजीली दिखेगा। तो एक हो गया ऐसे, ठीक है, ऐसे नहीं होगा अगर इस पे बनाने से। मिनट, एक हो गया आपका ऐसे, ठीक है, और एक आएगा आपका ऐसे। तो क्या है, देखो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका लॉन्ग कोड हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया, ए बी, ये मानो ए बी, ये सी, ठीक है, और ये डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन एंगल कितना कहा गया है, 30 डिग्री, ठीक है। और हमें क्या कैलकुलेशन करना है, देखो हमें क्या करना है, जैसे ये यहाँ से लेके ये कार्व है, यहाँ से लेके ये कार्व है, ये कार्व है, ठीक है। तो ये कार्पो का हम दो इक्वल डिवाइड करेंगे इसमें, ठीक है, और इसका कोई रेडियस, रेडियस इधर कहीं होगा सेंटर, इसका सेंटर इधर कहीं होगा, इसका सेंटर, चलो ये इधर सेंटर होगा, और सेंटर क्या बोला है, आर इज इक्वल टू क्या का आ गया 100 मीटर, ठीक है। और ये जो दो पार्ट में हमने डिवाइड किया, देखो हमने लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था आपको, देखो ये सेम वही हमने उसमें ड्राइंग किया। तो ये T1 है, ये T2, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम कैलकुलेशन करेंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने दिखाया था, ये जीरो जीरो वो मतलब इस पॉइंट पे जीरो, इस पॉइंट पे ओ ओ, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, ऐसे करते करते हम हर पॉइंट का ये जो डिस्टेंस है इसको हम कैलकुलेशन करेंगे। एक मिनट, इसको इस ये जो है, यहाँ से ये 0 0 O 0 हो गया, उसके बाद O 5 आएगा, O 10 आएगा, O 15 आएगा, इस तरह का हम कैलकुलेशन करते करते जाएंगे। कैलकुलेशन 15, उसके बाद 20 25, जो भी आएगा ऐसा ऐसा करते हम आगे बढ़ते जाएंगे। पहले तो हमें फर्स्ट हमें क्या निकलना पड़ेगा, इसका डिस्टेंस, एक लॉन्ग कोट, ये लॉन्ग कोट का हमें डिस्टेंस निकलना पड़ेगा, इसका लॉन्ग कोट का कितना डिस्टेंस है, वो सब कैलकुलेशन पहले करना पड़ेगा। उसके बाद ही हम इस पॉइंट का
मतलब हम जब ग्राउंड में मार्क करेंगे, ये 2 पॉइंट तो हमें पता है, ये 2 पॉइंट को हम लंबा, ये इसका लेंथ मिल जाएगा। उसके बाद इस पॉइंट से हमें कितना दूर डिस्टेंस में ये जाना है, कितने यहाँ से फिर 5 मीटर आने के, 5 मीटर आने के बाद ये कितना ऊपर जाना है, ऐसे करते करते हम इस पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट मार्क करेंगे। तो जब हम इसको मिलाएंगे तो एक कार्व बन जाएगा। अगर इधर कैलकुलेशन करने से जितना निकलेगा सेम इधर भी उतना ही आएगा, सेम उधर भी हम मार्क करेंगे, तो ये पॉइंट निकलेगा, ये पॉइंट निकलेगा, तो हम ये पॉइंट को कनेक्ट करेंगे, तो रोड में ये कार्व 100 100 रेडियस का कार्व वो बन जाएगा। तो चलिए कैलकुलेशन शुरू करते हैं। वीडियो बहुत लंबा होगा, आप लोगों को देखना पड़ेगा धैर्य के साथ, और कैलकुलेशन साथ ही साथ आप नोट बना लो। अभी हम कैलकुलेशन शुरू करते। चलिए, तो गिवन डाटा क्या है? गिवन डाटा क्या है? आर 100 मीटर और डिफ्लेक्शन एंगल 30 डिग्री। ठीक है, हम फटाफट निकाल देते हैं, टेंजेंट लेंथ निकाल देते हैं। टेंजेंट लेंथ, अगर आप लोग फॉर्मूला दिक्कत हो रहा है तो पहले का वीडियो आपको मिल जाएगा। आर टेन ऑफ 5/2, इसमें जो 100 और 10 30/2 मीटर से कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है, 26.79 मीटर। ठीक है, और लेंथ ऑफ द कार्फ, लेंथ ये जो कार्फ हुआ इसका लेंथ कितना कितना होगा उसको भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। लेंथ ऑफ द कार्फ, लेंथ ऑफ द कार्फ, ठीक है, इसका भी आर 180 डिग्री। इसको जब हम सारा डाटा बिठाएंगे, 100 इसका 30 डिग्री, 180 डिग्री, तो इसका जो करेगा तो 52 36 मीटर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद लेंथ ऑफ द लॉन्ग कोट, मतलब ये जो यहाँ से लेके T1 T2, ठीक है, उसके L से डिनोट करते, लेंथ ऑफ द लॉन्ग कोट 2R sin of 5/2। ठीक है, 2 इंटू इसको एल से डिनोट करते हैं, 2 इंटू 100 इंटू sin 30/2, इसको कैलकुलेशन करने के बाद कितना आता है, 51.76 मीटर। ठीक है, मतलब ये जो हमने मार्किंग किया है यहाँ से लेके यहाँ तक इसका कितना आया लॉन्ग कोट करने आपका 51.76 मीटर। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ तक गया था 56.7 आया, तो आधा आधा कितना आएगा, तो इसमें हम लिख लेते हैं, इसमें लिखते हैं लेंथ ऑफ द हाफ हाफ आधा का हाफ ऑफ द लॉन्ग कोट कितना आएगा, L/2, मतलब 51.76/2 इज इक्वल टू 25.88 मीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अभी चेनिस निकल लेते हैं। जैसे आपका देखो इतने से इतना माइनस करेंगे तो आपका एक मिनट, चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं और कलेक्शन करते हैं क्या है। इसमें चेनिस निकल लेते हैं, चेनिस ऑफ T1 का चेनिस क्या आएगा, 150 तो दे रखा है, ये दे रखा है आपका, क्या दे रखा है, ये 150 आपका ये बी पॉइंट का चेनेज दे रखा है, तो हम चेनेज एट टी पॉइंट का निकाल रहे हैं, तो इसका हमारा 26.79 ये टेंजेंट लेंथ को हम माइनस करने से वो आ जाता है। ठीक है, 123.71। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, आप लोग अगर वीडियो को पुश करके आप लोग खुद थोड़ा सा नोट बना लो, अगर समझ में ना आ रहा है तो कमेंट्स करिएगा। T2 का निकल लेते हैं, 123.71 प्लस लेंथ ऑफ द कार्फ, लेंथ ऑफ द कार्फ। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द कार्फ कितना लेकर, 123.71 प्लस लेंथ ऑफ द कार्फ लेकर 52, लेंथ ऑफ द कार्फ कितना लेगा, 52.36, तो टोटल आया 176.07 मीटर। चेन एस एट T2। ठीक है, उसके मीट ऑर्डिनेट का हम शुरू करते हैं। अभी जैसे मीट ऑर्डिनेट का हमें इस पॉइंट का लेंथ, मतलब आपको देखो इस पॉइंट का लेंथ, मीट ऑर्डिनेट का लेंथ यहाँ से कितना आएगा वो पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मीट ऑर्डिनेट का देखो, मीट
ऑर्डिनेट ओ 0 0, ये फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में भी लिखाए थे आप लोगों को, देखो ये फॉर्मूला है। अगर डायरेक्ट आ गया तो पहले जाकर वो वीडियो देख लीजिए तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। आर स्क्वायर माइनस एल बाई टू होल स्क्वायर, इसको जो हम डाटा बैठा देते मैं डायरेक्ट आर तो 100 आपको पता ही है, 100 स्क्वायर एल कितना निकला था हमें 51.76/2 होल स्क्वायर, इसको जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कितना रहा है 3.41 मीटर। मतलब देखो ये इसका मतलब क्या आया, इसका मतलब ये आया जो आपका इस पॉइंट से और मतलब इस ये पॉइंट से ये पॉइंट का डिस्टेंस ये कितना आया 3.41। जो ये पॉइंट आपको पता है तो यहाँ से हमने 3.41 जाके यहाँ पे मार्किंग कर लिया। सेम अभी 5 मीटर डिस्टेंस में निकालेंगे, आपको लिखते कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। देखिए लेट आस कंसीडर द कोऑर्डिनेट्स आर कैलकुलेटेड, ठीक है, कैलकुलेटेड एट 5 मीटर इंटरवल, 5 मीटर इंटरवल्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर टूवर्ड्स T1 फॉर द लेफ्ट हाफ। तो ये लेफ्ट हाफ का हम निकालेंगे जो मैंने बोला इसमें वही हमने लिखा उसमें, मतलब 0 5 10 15 5 मीटर डिस्टेंस में हम उसको निकालेंगे। तो हमें फॉर्मूला क्या पता है, वी नो डेट, एक फॉर्मूला हमने लिखाया था लास्ट वीडियो में आप लोग, ये देखो फॉर्मूला लिखाया था। तो उस फॉर्मूला से हम अभी पुट करेंगे, वो एक फॉर्मूला लिख लेते पहले, क्या है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आर माइनस ओ ओ, यह होगा फॉर्मूला। तो क्या है हॉन एक्स इज फाइव, मतलब कितना है हम यहाँ से हम 5 मीटर डिस्टेंस में आए, यहाँ से 5 मीटर डिस्टेंस में आए, 5 मीटर डिस्टेंस में आए, तो 5 मीटर डिस्टेंस में उसका हाइट कितना होगा देखो बैठा देते हैं। तो ओ 5 = 10² - 5² - 100 - 3.41, कैलकुलेशन बनने के बाद क्या आ रहा है, ये 3.284 मीटर। ऐसे ही सेम आप, मैं सिर्फ अभी डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा, आप लोग सेम ऐसे ही फॉर्मूला में पुट अप करके आप निकल के देख लेना। ओ 10 में आया कितना 2.9 मीटर, ओ 15 में आया कितना आपका 2.28 मीटर, ठीक है, ओ 20 में कितना आया 1.4 मीटर, उसके बाद ओ 25 में क्या आया आपका आया 0.234 मीटर, ओ 30 में कितना आया, ओ 30 तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका जो हाफ डिस्टेंस आ रहा था कितना आ रहा था, हाफ कितना आ रहा था इसके 51 का हाफ आया था कितना, अब देखो 25, तो 25 तक लेने से हो जाएगा। और हम चेक कर सकते, क्रॉस चेक कर सकते, जैसे इस पॉइंट में तो 0 आएगा, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, वो 25.89, इसका कितना आ रहा है देखो, इसका जब हम कैलकुलेशन करते हैं 100 स्क्वायर माइनस 25.89 स्क्वायर माइनस ऑफ 100 माइनस 3.41, इसका जब कैलकुलेशन करेंगे 0.0004 आता है, तो इसका हम 0 ही लिख सकते हैं। तो ये चेक हो जाता है हमने करेक्ट किया। तो देखो जो वो 5 वो 10, ये देखो इसमें हम एक बार आप लोगों को इसमें दिखाते हैं वो जो डाटा हमने निकाला है तो ग्राउंड में कैसे पुट अप करेंगे। देखो जैसे ठीक है, तो ये सॉरी ये डिप्लिकेशन 30 है, तो हमने अभी क्या किया देखो, यहाँ से ये यह हो गया कार्फ, ठीक है, तो हमने ये आधा से ये निकाला,
ये 0.0 में कितना आया आपका 0.00 में आपका 3.41 आया। उसके बाद यहाँ से ये 5 मीटर आने के बाद हमारे ये हाइट कितना मिला, ये हाइट मिला आपका कितना 3.284। सेम ऐसे ही जैसे हम कार्प ग्राउंड में करने के लिए पहले तो हम इसको ऐसा करके हम मार्क कर लेंगे ठीक है। उसके बाद हम इस सेंटर में सेंटर निकल लेंगे, सेंटर से हम इतना मीटर मेजरमेंट करेंगे टेप से, मेजर टेप हो रोटेशन कोई भी हो 3.41 मेजरमेंट करेंगे, ये पॉइंट मार्क करेंगे। उसके बाद इधर 5 मीटर आएंगे इस साइड, 5 मीटर आने के बाद इसका कितना निकला था 3.28 मार्क करेंगे इस पॉइंट। ऐसा करते 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 लास्ट में 0 आएगा, तो ये सब मार्क करेंगे। ये 5 मीटर आया, फिर 10 मीटर आया, 15 मीटर में आया, 20-25 में मार्क करेंगे, ये तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो हम इस पॉइंट को ऐसे ऐसे करके कनेक्ट करेंगे, तो ये जो कार्फ है ये कार्फ बन गया। तो सेम क्योंकि यह हाफ यार इधर सेम है, तो सेम इसी तरह ही फिर सेम वैल्यू पुट करते जाएंगे तो ये आपका ये कार्फ होके रेडी हो जाएगा। यही है ग्राउंड में मार्क करने का, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप ग्राउंड में भी कभी भी आप कहीं भी जॉब करो कुछ भी करो तो आप लोगों को ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अच्छे से नोट बना लीजिए और स्टडी प्रैक्टिस करिए। अगर इसमें भी कोई डाउट है समझने में तो आप कमेंट्स कर सकते हो, मैं समझा दूँगा। अगर चैनल में नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए थैंक यू।